हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी कैबेज की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया है कैबेज, और मैं इसमें आलू मटर ये सब नहीं डालूंगी, सिर्फ पत्ता गोभी बनाऊंगी, और भी बहुत टेस्टी बनेगी। आप ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर, और बताइएगा मुझे कमेंट में कैसी बनी। तो इसके लिए मैंने जो अनियन है उसको ऐसे लंबा लंबा ही काट लिया है, और टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाएंगे और क्या क्या इसमें डालेंगे। वीडियो पूरी भी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्टी बहुत बनती है, और आप भी ट्राई कीजिएगा कभी भी। आजकल ठंडियों का मौसम है तो हमेशा पत्ता गोभी वगैरह आ रही है, तो आप इसको बना के ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि कैसा बना है। तो चलिए, मैंने देखिए पत्ता गोभी बहुत पतला काटा है, बहुत मोटा भी नहीं काटा है, और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं किया है, मैंने हाथों से ही इसको काटा है, कोई मशीन वशीन से नहीं काटा है। तो आप भी ऐसे ही काटिए इसको। तो आगे देखते हैं फिर इसको क्या क्या इसमें पड़ेगा, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैंने कड़ी पत्ते भी लिए हैं, अगर आपके पास है तो कड़ी पत्ता डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने इसको डाला है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पैन चढ़ा लेंगे पहले गैस पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पहले हम गैस जला लेते हैं। करी पत्ता, अनियन, तो लहसुन मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे डालूंगी। हमें इसको थोड़ा सा ऐसे चाकू से बस इसको दबा देना है, ये चाकू पे रखा और ये ऐसे दबा दिया, सबको मैं ऐसे ही कर लूँगी, थोड़ा सा बस इसको दबा देंगे हम। तो ये हो गया, डालेंगे पहले ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो डालिए। और थोड़ा सा जीरा जाएगा इसमें, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा हींग, जब हमारा हो जाएगा जीरा हींग तो इसमें करी पत्ता जाएगा, और ये पहले मैं डालूंगी इसमें, ये कैबेज डालूंगी पहले, पत्ता गोभी। तो मैंने पत्ता गोभी और करी पत्ता एक साथ डाल दिया, ये बहुत ज्यादा उल्टा है इसलिए। ये बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी सी सब्जी तैयार होगी और आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा ये हो गया है, तो इसी में हम लहसुन डाल देंगे, जो हमने लहसुन क्रश करके रखे हुए थे, लहसुन
वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने कुछ मिर्ची रखी है, इसको दो हिस्सों में करके इसको भी मैं डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसमें टमाटर और प्याज दोनों ही ऐड कर दूंगी एक साथ। यहाँ मैं टमाटर भी डाल दिया और प्याज भी डाल दिया, दोनों डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर दूंगी। हाई फ्लेम पे ही अभी हम इसे रखेंगे शुरू से, अभी तक अभी भी इसको लो नहीं करेंगे हम, नहीं तो जो पत्ता गोभी है वो पानी छोड़ने लगेगी और हमें इसके पानी को ख़त्म करना है तभी ये सब्जी अच्छी बनेगी, तो इसीलिए हम इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे चलाते रहेंगे। तो मैं इसमें अब ऐड करूँगी ग्रीन रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली, थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। चलिए देखते हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, बस थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा ही सब्जी मसाला, थोड़ा ही गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी मैं नहीं डाल रही हूँ, चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसे ढक के लो फ्लेम पे पकाऊंगी। लो फ्लेम पे बनाएंगे हम इसे, अब लो फ्लेम है और इसको हम पकाएंगे अच्छे से। ये देखते हैं इसे चला के एक बार। ऑलमोस्ट हमारी सब्जी हो चुकी है। अब आपको अगर लगे कि आपका पत्ता गोभी थोड़ा कच्चा लग रहा है तो आप इसको पका लीजिए, वरना ये सब्जी अब बन चुकी है। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, एक बार आप ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है, हम तो बहुत बार बना के खाते हैं इसे। तो देखिए जैसी ये हरी भरी दिख रही है वैसे खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो हमने फ्लेम कर दी ऑफ, हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब आप इसे जाएं पराठे से खाएं, पूड़ी से खाएं, रोटी से खाएं, हर चीज़ से अच्छी लगेगी।